पूछ रहे हैं आज क्या हो रहा है सर? ये उसमें ये मैट लग रही है हमारे यहाँ पर, ग्रीन ग्रास आर्टिफिशियल, और बहुत अच्छी मैट है ये। हेलो फ्रेंड्स, तो आज विंटर वेकेशन के बाद स्कूल खुल गया है और हमारे शिक्षक साथी सभी स्कूल पहुंच गए हैं। तो आज हमारे स्कूल में एक नया काम हो रहा है, आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। जो हमारी ये स्कूल का फील्ड है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें ग्रोटिंग हो रखी है। कुछ दिन पहले इसमें ग्रोटिंग हुई थी, अब इसमें ये ग्रीन आर्टिफिशियल जो ग्रीन ग्रास होती है वो बिछाई जा रही है। तो उसके रोलर तैयार हैं और ये बिछाने वाले भी तैयार हैं, तो ये बिछाएंगे। तो ये रोलर खुल रहे हैं, अब बिछने के लिए तैयार हैं रोलर। सर, आपके लिए फील्ड बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बन गया है। विमल जी लगे हुए हैं मैट की चेकिंग करने पे कि कहीं सही बिछी है नहीं बिछी है। नए मैट का उद्घाटन कर रहे हैं सर। सर कैसे लग रहा है इसके ऊपर खड़ा होके? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो दो स्ट्रिप बिछ चुकी हैं, कितना सुंदर लग रहा है स्कूल। भवान इंटर कॉलेज क्रीड़ा स्थल का जीर्णोद्धार होता हुआ मैट बिछी हुई, बहुत सुंदर ये लग रहा है। अब बच्चों को खेलने के लिए ये स्थान जो है वह विकसित किया जा रहा है। साथ हैं भाई साहब, आपका नाम क्या भाई साहब? सौरभ। सौरभ, तो इनके जो संस्था है हिमोत्थान, हिमोत्थान है ना सर, उसके सौजन्य से स्कूल में ये मैटिंग हो रही है। तो ये चौथी लेयर बिछ रही है और पूरा फील्ड, आधा फील्ड आप देख सकते हैं अभी ग्रीन हो गया। ये मैट बिछने के बाद फील्ड बहुत सुंदर लग रहा है हमारा, बच्चे भी खुश हो रखे हैं। कबड्डी खेलने के लिए, कबड्डी, हाँ कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं आप, बहुत अच्छा। तो देख रहे हैं आप मैट बिछने के बाद कितना सुंदर लग रहा है फील्ड, और अभी दो लेयर जबकि बिछनी बाकी है। ये उत्तराखंड के स्कूलों में पहला स्कूल है जहाँ ये मैट लग रही है, गवर्नमेंट स्कूलों में। फील्ड में मैटिंग हो गई है और बच्चे बहुत खुश हैं, आनंद ले रहे हैं मैट का, सारे बच्चे बैठे हुए हैं मैट में, ये देखिए आप। और अभी ये जो हमारा पोर्शन है इसमें ये रोल बचा हुआ है, इसलिए लगेगा, लेकिन बाकी जो लगा हुआ है उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं और सुंदर भी लग रहा है फील्ड। कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहीं रहो, ठीक है, स्कूल में ही रहो आप लोग। हाँ सर, हाँ, लेकिन ये अच्छा तभी रखे रहेगा जब आप लोग इसको सही से इसकी केयर करोगे, है ना? देखते हैं। ये बच्चे आज मैट बिछ गए तो उसका आनंद ले रहे हैं, पूरा पूरा संवाद ले रहे हैं इसमें। आप लोगों ने आज तक मैट कहाँ कहाँ बिछाई? ऑल इंडिया स्कूलों में बिछाते हो? स्कूलों में बिछाते हैं, पार्कों में बिछाते हैं। अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? चार साल हो गए। ठीक चल रही काम? अच्छा, ठीक, पैसे कमा लेते हो? तो आज आधी फील्ड तक मैट बिछ गई है, कल जो बाकी का फील्ड बच रहा है हमारे पास उसमें मैट बिछेगी। मैट बिछने के साथ उसमें कोर्ट बनेगा और फिर आपको दिखाएंगे कल के ब्लॉग में कि किस तरीके से हमारा जो कैंपस है वो कैसे दिखाई दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।